वैसे साल 2019 से शुरू होने से पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिल्ली मेट्रो से एक दो नहीं तीन तोहफे मिल सकते हैं। दिसंबर खत्म होते होते तीन नए मेट्रो कॉरिडोर खुल सकते हैं जिनकी कुल लंबाई होगी 50 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 50 किलोमीटर की नई लाइन और जुड़ जाएगी और इसी के साथ मेट्रो का फेज 3 प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा इंतजार पिंक लाइन पर लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1 सेक्शन का है। इसके साथ ही साउथ दिल्ली के बड़े मार्केट्स जाने में ईस्ट दिल्ली के लोगों को बहुत ही आसानी होगी। देखिए लाजपत नगर सरोजनी नगर साउथ एक्स आईएनए मार्केट का ईस्ट दिल्ली से सीधा कनेक्शन हो जाएगा, मतलब ईस्ट दिल्ली से सीधे साउथ दिल्ली आप पहुंच जाएंगे मार्केट। और लाजपत नगर वाले सेक्शन के बाद हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक जाना भी लोगों के लिए बहुत आसान होगा। दूसरा कॉरिडोर है दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक, ये 9.5 किलोमीटर तक का है। और सबसे अंत में 29 किलोमीटर की एक्वा लाइन का सेक्शन जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ेगा। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक तीनों लाइन की जांच चल रही है और इसलिए अभी तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है।